जुड़ी है। तमाम कार्यकर्ता साथियों से आज यही निवेदन करने यहाँ पहुंचे हैं कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर एक तो सदस्यता अभियान और दूसरा एक बूथ 10 यूथ के माध्यम से नए साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का काम करें। लोकसभा के चुनाव जिस प्रकार से जींद का उपचुनाव रहा और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को 38,000 वोट आए, आज हमें ये टारगेट लेकर चलना है कि 38,000 से प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हमारा यही टारगेट है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए 38,00,000 वोट हम कम से कम प्रदेश में सिक्योर करकर इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन बनने का काम करें। टारगेट 38,00,000 को लेकर पूरे प्रदेश में हम एक मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। अगर कोई हमारे साथ सहयोगी आता है तो जरूर उसके लिए हम सैक्रिफाइस करने को। सर, अर्जुन जी के बयान पर राहुल गांधी ने बयान दिया ना, सवारी है कि संगठन मेरे को कहां से उतारेगा, मेरी प्रेफरेंस हिसार है। अजहर जी, राहुल जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे अजहर को, आतंक आदि को जी कहकर बुला रहे हैं। अब इसके अंदर तो फिर बीजेपी के लोग भी जी कहते हैं। मैं तो कल परसों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान कह रहा था, वो भी आसिफ जी कह रहे थे। अब ये किस तुलना में किया गया है और किस आतंकवादी को क्या उपाधि दी गई, ये तो उनके संगठन के लोग ज्यादा विस्तार से बता सकते। मानता हूँ कि अगर हम 40 दिन के अंदर 0 से 38,000 पर जींद में पहुंच सकते हैं तो हम पूरी तौर पर तैयार हैं। आज माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है और एक बूथ 10 यूथ के मामले से माइक्रो मैनेजमेंट का जो कार्य है, बूथ लेवल पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर आज के दिन भी मजबूती से हम काम कर रहे हैं। इस चुनाव पर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की मोहर लगाना चाह रही है, पर देश की जनता जान चुकी जो लोग नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्रेडिट के लिए हमारी सेना को कमजोर करेंगे।